Hi guys, hello and welcome back to my channel Ruchika Parihar. I hope you all are doing amazing. आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इस टॉपिक पे बात की why you should not move to New Zealand और main reasons about why you should not move to New Zealand. अभी हम फिलहाल लॉकडाउन में हैं और हम सिर्फ बाहर वॉक करने के लिए आए हुए हैं. I and Sarah, look here. Look, say hi. And here is Thavu. So let's get started. So guys, reason number one is कि यहाँ पे job मिलना is not easy. Yes, अगर आपने सुना है कि न्यूजीलैंड में easily आपको job मिल सकती है, अगर आप आए हो तो आपको वो job मिल सकती है जो general labor job है. But otherwise, अगर आप एक qualified हो और अगर प्रोफेसर या जो भी हो और आपको लगता है कि आपको इजीली जॉब मिल जाएगी यहाँ पे, तो दैट्स नॉट ट्रू. यहाँ पे जॉब मिलना इज नॉट इजी. एंड रीजन नंबर टू इज ड्राइविंग अ कार. यहाँ पे हर चीज के लिए आपको कोई भी जगह पे अगर ट्रैवल करना, अगर आपको ग्रोसरी भी लेने जाना है तो आपको एक कार की जरूरत होगी. विदाउट कार यू कैन नॉट सर्वाइव. इट विल बी वेरी हार्ड और बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी छोटी से छोटी चीज भी लेने के लिए कार की जरूरत होती है, बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट एट अ नियर डिस्टेंस. तो यू शुड नो हाउ टू ड्राइव अ कार. और अगर आप वो इंसान नहीं हो जिसे ड्राइव करना पसंद नहीं है या कार ड्राइव नहीं कर सकते हैं, तो दिस इज नॉट फॉर यू. और गाइस, स्पेशली विंटर्स में, क्योंकि विंटर्स में यहाँ पे वेदर जनरली बहुत विंडी होता है और रेन, इट्स पूरे साल में कभी भी रेन होता ही है यहाँ पे, तो इस वजह से भी यू कैन नॉट वॉक ऑल द टाइम. अगर आप वॉक करना चाहो भी तो भी इट्स नॉट पॉसिबल मेनी ऑफ टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे वेदर कंडीशंस कभी कभी विंडी होती है, कभी कभी थंडरस्टॉर्म होता है, सो इट्स बिट हार्ड. तो क्योंकि अगर मैं खुद भी जब भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी और मैं ट्राई करती थी कि मैं अम्ब्रेला लेके वॉक करूँ इवन इफ इट वॉज रेनिंग, बट अम्ब्रेला भी आपका टूट जाता है यहाँ पे, इतनी विंड होती है. सो गाइस, थर्ड रीजन इज नॉट कमिंग टू न्यूजीलैंड होगा कि इवन इफ यू आर वेरी क्वालिफाइड इन वॉट एवर टॉपिक यू हैव डन बैक होम, अगर आप डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या CA हो या लॉयर हो, तो ऐसा नहीं होगा कि आप स्ट्रेट अवे वो पढ़ाई करके आए हो और आपको स्ट्रेट अवे उस बेस पे जॉब मिल जाएगी. यहाँ पे यू विल हैव योर ओन स्ट्रगल टू स्टार्ट इट फ्रॉम द बेस. यहाँ पे आपको एग्जाम्स देनी पड़ेगी उसके लिए, एंड देन यू कैन स्टार्ट एट अ बेस लेवल इन दैट कोर्स. तो इट वुड रियली डिपेंड कि आपने कौन सा एग्जाम्स वगैरह यहाँ पे आने के बाद दिया है. तो दैट्स वन ऑफ द रीजन्स वाई यू शुडंट मूव टू कैनेडा. अगर आप सोचते हो कि आप वहाँ से पढ़ाई करके अगर आपको स्ट्रेट अवे यहाँ पे जॉब मिल जाएगी उसी बेसिस पे, तो ऐसा नहीं होगा. यू विल हैव टू डू योर ओन वर्क आफ्टर यहाँ पे आने के बाद. फोर्थ रीजन होगा टू नॉट मूव टू न्यूजीलैंड इज विंटर्स. अगर आपको एक न्यूट्रल बेसिक वेदर पसंद है जहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा ठंडी, देन इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू सर्वाइव हियर. क्योंकि न्यूजीलैंड में 6 months विंटर्स होती है और 6 months समर्स होती है. तो 6 months विंटर्स भी जब भी होती है तो सनसेट भी अराउंड 5:30 तक हो जाता है, तो इट्स बिट हार्ड. और क्योंकि यहाँ पे ठंडी के साथ साथ इट्स ऑल्सो रेनिंग ऑल द टाइम, सो इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू गो आउट एनीवेयर इन विंटर्स. तो अगर आपको विंटर्स नहीं पसंद है, देन इट विल बी हार्ड फॉर यू टू बी हियर. तो ये होगा फोर्थ रीजन यू शुड नॉट कम टू न्यूजीलैंड. सो गाइज, फिफ्थ रीजन यू शुड नॉट मूव टू न्यूजीलैंड इज टैक्स, बिकॉज ऑफ टैक्स. हाँ, यहाँ पे लोगों की इनकम डेफिनेटली ज्यादा है, लेकिन उनको उतना ही टैक्स भी पे करना पड़ता है और उसमें कोई झोल नहीं हो सकता. यू हैव टू पे योर टैक्स. और अगर आप सोचते हो कि गवर्नमेंट यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज देती है वगैरह, इतना कुछ होता है न्यूजीलैंड में, लाइक गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी फैसिलिटीज होती है न्यूजीलैंड में, तो उतना ही आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है. सो गाइज, इफ यू आर नॉट प्रिपेयर टू पे ज़्यादा टैक्स, देन प्लीज चेंज योर प्लान टू कम टू न्यूजीलैंड. पॉइंट नंबर फिफ्थ होगा डिस्टेंस. न्यूजीलैंड इतना दूर है स्पेशली फ्रॉम इंडिया कि अगर आपको ट्रैवल करना है बार बार, तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू. क्योंकि फ्लाइट लेना भी नॉट ईजी, इट्स नॉट वेरी ईजी टू टेक अ फ्लाइट और सीधा आ गए कि यार हाय हम आ गए अभी, क्योंकि फ्लाइट भी बहुत लंबी जर्नी है और यू हैव टू चेंज अ फ्लाइट इन बिटवीन एज वेल. तो टोटल आपको अराउंड 20 hours के आसपास यू हैव टू बी इन द फ्लाइट, सो इट्स वेरी हार्ड. तो अगर आप सोचते हो कि
आप दूर नहीं रह सकते, आप ज़्यादा बार बार ट्रैवल, आपको फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करने को चाहिए बैक होम, देन न्यूजीलैंड इज़ नॉट फॉर यू. पॉइंट नंबर 7 विल बी, अगर आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो और अगर आप सोशली बहुत एक्टिव हो, आप वो इंसान नहीं हो जो अकेले रह सकता है, देन इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू सर्वाइव हियर. क्योंकि यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी बाय योरसेल्फ. अगर आप किसी के साथ आए हो तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट अगर आप अकेले आ रहे हो देन इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू, बिकॉज स्पेशली स्टार्टिंग के कुछ महीने इट विल बी वेरी डिप्रेसिंग, क्योंकि एक नई जगह पे आए हो और यू डोंट इवन हैव योर फैमिली. आप उनसे ऑब्वियसली वीडियो कॉल्स वगैरह पे बात कर सकते हो, बट इट्स अ डिफरेंट कि अगर आप बार बार, आपको उनके साथ रहने की आदत है, आपको बहुत सोशलाइज करने की आदत है, देन इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू सर्वाइव हियर. पॉइंट नंबर 8 विल बी नॉट कमिंग टू न्यूजीलैंड, क्योंकि यहाँ पे आपको सब काम खुद से करने हैं. देयर विल बी डेफिनेटली नो हेल्प, यहाँ पे कोई मेड नहीं है, आपको A to Z सारे के सारे काम खुद से करने हैं. क्योंकि आप डेफिनेटली मेड भी रख सकते हो, लाइक यहाँ पे आर्ली बेसिस पे जनरली लोग रखते हैं, अगर कोई रखते हैं तो, बट अदरवाइज यहाँ पे जनरली मेड कल्चर नहीं है. सब काम यहाँ पे लोग खुद से ही करते हैं, चाहे उनका कितना भी बड़ा घर हो, कितना भी कुछ हो. सो दे हैव यू आर डेफिनेटली ऑल बाय योरसेल्फ, आपको लॉन्ड्री, वॉशिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, घर की सफाई, सब कुछ आपको खुद को ही करना है. तो इफ़ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि आप सब कुछ खुद से कर पाओगे, चाहे आप कितने भी बीमार हो या एक्टिव हो या कितने भी बिजी हो, यू हैव टू बी ऑल बाय योरसेल्फ. सो या, तो अगर आप वो इंसान हो जिसे खुद से, आप खुद से करने के लिए ये सब प्रिपेयर्ड नहीं हो, देन प्लीज़ डोंट कम हियर, क्योंकि ये यहाँ पे बेसिक आपको करना ही पड़ेगा, यू हैव नो चॉइस. सो गाइज, पॉइंट नंबर 9 यू शुड नॉट मूव टू न्यूजीलैंड विल बी कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है. इस कॉस्ट ऑफ लिविंग के टॉपिक पे मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाया है, जिसके लिंक मैं मेरे सब बॉक्स में डाल दूंगी. तो अगर आपने नहीं देखा है कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ न्यूजीलैंड, तो प्लीज़ जाके देखिए. सो दैट्स वन ऑफ द रीज़न यू शुड नॉट मूव टू न्यूजीलैंड. द लास्ट एंड फाइनल रीज़न यू शुड नॉट बी मूविंग टू न्यूजीलैंड इज़ बिकॉज यहाँ पे आपको सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच शुरू करना पड़ेगा. चाहे आपका इंडिया में या जहाँ पे भी आप रह रहे हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अनलेस एंड अंटिल आप अपना पूरा सब कुछ इंडिया से लेकर अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी एंड टोटली योर कॉल. बट अदरवाइज यू विल हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम द बेसिक, और आपको अपनी लाइफ यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी. तो यू हैव टू बी मेंटली वेरी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. तो गाइज, ये थे मेरे 10 पॉइंट्स अबाउट व्हाई यू शुड नॉट मूव टू न्यूजीलैंड. और अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और टॉपिक पे आपसे डिस्कस करूँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे बताइए कि आप कौन से टॉपिक पे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहेंगे. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.